हमने किसी को पानी में भिगा दिया है, मेरे को ध्यान नहीं था, मैं पानी पानी भर रहा है मांस तो लगा रिव्यू, मतलब थोड़ा बहुत दूंगा कि ओला आप लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आप हम यहाँ से हिल नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश का माहौल आप देख सकते हो कैसा हो रहा है ऊपर, बट जैसे हम ब्लॉग बनाने निकले, हम थोड़ी दूर निकले घर से, बारिश आने लगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम बना रहे हैं दूसरा वीडियो ओला के ऊपर। तो आज डेट है 20 और हम जा रहे हैं तालाब में से। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ओला के ऊपर कि ओला की सर्विस कैसी है, ओला का परफॉर्मेंस कैसा है और ओला में क्या क्या दिक्कत और प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी हमारे यहाँ तो पानी पानी भर रहा है मांस। हमने किसी को पानी में भिगा दिया है, मेरे को ध्यान नहीं था, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि आज ओला के ऊपर रिव्यू नहीं, आज होगा लोगों को भिगाना। कहाँ का मैं बात था कि ओला पे, ओला का एक वीडियो में बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ओला का रिव्यू, मतलब थोड़ा बहुत दूंगा कि ओला आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आप डिपेंड तो वैसे आप ही करते हैं, आपको लेनी है नहीं लेनी। वैसे ओला के सर्विस मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं जैसे ब्रेक शू वगैरह, ब्रेक लीवर वगैरह, छोटे मोटे जो भी है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो वो ठीक है। बाकी वैसे कोई मेंटेनेंस नहीं है, मेरे को 4.5 महीने से ऊपर हो गए ओला ड्राइव करते हुए। मैंने 7500 के अप्रॉक्स मैंने चला दिए, हाँ 7624 किलोमीटर मैंने अभी तक रन कर दिए। और मुझे मेंटेनेंस सिर्फ मैंने आगे का ब्रेक शू चेंज करवाया है और वो थोड़ा महंगा है आता है, तो मेरी 200 RC से महंगा है उसका, उसका 750 का कॉस्ट पड़ा है एक ब्रेक शू का। से जो टेक्नीशियन हमसे बात की थी तो उसने कहा था कि गेयर लीवर वगैरह भी अप्रोक्स 1500 और 2000 रुपीज़ के पार्ट्स वगैरह इसमें एक्सपेंसिव है, तो वो बहुत महंगे आ रहे हैं। बाकी ओला वैसे जीरो मेंटेनेंस है, जैसे आप अगर आप ओला लेंगे, ओला के अलावा जैसे और कोई लेते हैं एथर वगैरह, तो उनमें थोड़ा मेंटेनेंस चलता है क्योंकि शोरूम में बुलाते हैं वो सर्विस के लिए, और उसमें पता नहीं कुछ होता होगा, मेरे पास है नहीं तो मैंने पता नहीं, लेकिन मैंने मेरे साथ में किसी के पास है उसने कहा था, तो उनके पास था तो उनको सर्विस वाले ज़रूर बुला रहे। अचानक से साइलेंस पड़ गया है, इन अंकल को बिखा दे, नहीं गलत बात। हाँ तो गाइस बारिश हो चुकी है स्टार्ट, बारिश हो चुकी स्टार्ट, लोग देख रहे हैं लेकिन भिगोएंगे नहीं किसी को भी, वो गलती से हो गया था, जान बुझ के नहीं भिगाना चाहते। ओके, इसमें नहीं पता पड़ रहा है कि कहाँ पे खड्डा है, बारिश में खड्डा कहाँ है, पानी कहाँ है, मैं पाँव थोड़े अंदर कर लेंगे, कोई बात नहीं धीरे चलाते थोड़ा सा। तो हम कहाँ थे, हम तो एथर पे कि हाँ एथर का मेंटेनेंस, एथर का मेंटेनेंस है और उनमें टीवीएस वगैरह में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी आ रहे हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस है, लेकिन ओला में वैसे सर्विस मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रेक शू जैसे कि वो तो ऑब्वियस बात है वो चेंज होते हैं, और भी चीज़ें कई हैं जो चेंज हो जाए, जैसे ब्रेक लीवर वगैरह टूट जाए तो रिप्लेस होते हैं, तो वो थोड़े महंगे। बारिश आ रही है, कैमरा भीग सकता है, हमने वाटर प्रूफ केस भी नहीं लगा रखा है, ये देखिए हमारा फ़ोन, तो थोड़ा सा आगे जाके रुकेगा पड़ेगा बाईपास के नीचे क्योंकि हम भीग जाएंगे और हमारा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। नगर निगम कट रहा है, अभी देंगे इसको। आप ओला अगर लेना चाहे तो ओला ले सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू अदर ओला इलेक्ट्रिक, ओला के अलावा जो इलेक्ट्रिक अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो व्हीकल है स्कूटीज वगैरह है वो अच्छे हैं। और 3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन हम देखें कि अब निकलते हैं देखा जाएगा, लेकिन फिर स्टार्ट हो गई है अब लग रहा है, लेकिन वापस कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो भाई मेरा हेलमेट भीग चुका है, देखिए बारिश हो चुकी है, तो मैं एक, हाँ
तो यह भी वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, जैसे रुकती है फिर आपसे मिलते हैं वापस। जैसा कि गाइस ये देखो रोहित भाई खड़े हैं, अभी मैं भी यहीं खड़ा हूँ क्योंकि एक्चुअल में आ चुकी है बारिश और अब हम यहाँ से हिल नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश का माहौल आप देख सकते हो कैसा हो रहा है ऊपर। तो अभी हम इस बाईपास के नीचे खड़े हैं और देखो यहाँ हमारे साथ कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो इस भीड़ के चक्कर में आज हो गया हमारे साथ बहुत बुरा। हम जब भी 3 दिन से हम कोशिश कर रहे थे ब्लॉग बनाने की, बट 3 दिन से हम बना नहीं पा रहे थे बारिश की वजह से। हम जब भी निकलते हैं बाहर तो बारिश आ जाती है और हाजिर ने सोचा कि थोड़ी देर रुकी हुई तो हम निकलते हैं तो ब्लॉग बना लेंगे, बट जैसे हम ब्लॉग बनाने निकले, हम थोड़ी दूर निकले घर से तो बारिश आने लग गई। तो अब ये हमारे साथ हमेशा से होता जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बारिश के मौसम में नहीं बना पा रहे हैं ब्लॉग में, जबकि सबसे अच्छा मौसम है ब्लॉग बनाने के लिए। तो बारिश रुक चुकी है, हम चलने के लिए तैयार हैं क्योंकि बीच में आ गई थी मूसलाधार बारिश, इस चक्कर में हमें रुकना पड़ा क्योंकि हमने कैमरा नहीं लगा रखा, हमारे पास वाइट प्रूफ केस भी नहीं और हमने फ़ोन लगा रखा है तो फ़ोन में दिक्कत नहीं हो, इस चक्कर में रिस्क नहीं लेने का पड़ा। तो हम बात कर रहे थे ओला पे, ओला तो आप अगर वैसे तो ओला की वैसे सर्विस बिल्कुल भी नहीं है, अदर ओला की जो भी व्हीकल्स हैं उन पर ओला की से ज़्यादा सर्विसेज है। ओला पे जैसे अगर आपके ब्रेक शू वगैरह भी लगते तो 750 ऐसे सब अप्रोक्स है, लेकिन ओवरऑल सस्ती ही है। बाकी अगर एक्चुअल टोटल एवरेज देखा जाए अगर फ्यूल बाइक का और ओला का तो लगभग सेम है, क्योंकि आप अगर 1,40,000 रुपीज़ की बाइक ओला ख़रीदते हैं उसमें उसमें अगर 90,000 की फ्यूल वाली बाइक ख़रीदते हैं तो आप अगर 5 साल उसको चलाते हैं तो उसमें 40,000-50,000 रुपये का खर्चा आता है। तो इतने टाइम में वो बाइक भी मतलब ख़त्म हो जाती है, मतलब कि वो पूरी हो चुकी होती है, और इतनी ओला की जो बाइक है या इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल है उसका भी इतनी जर्नी होती है जितनी उसकी है, तो 5 साल में दोनों हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों इक्वल ही है, बस ये थोड़ा मेंटेनेंस है, लेकिन वही बात है कि आप उधर फ्यूल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर इलेक्ट्रिसिटी का जोड़ते हो और गाड़ी की अगर आप गाड़ी को पेमेंट करते हो और अगर उसका एवरेज निकालते हो रियली मतलब फाइनेंस करवाने के बाद तो लगभग सेम सा पड़ता है। तो अगर आप लोगे वैसे बराबर है, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा फ्यूल की दिक्कत नहीं होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे 1,000 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, आप लोग थोड़े बहुत और कुछ बाकी हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, तो इसको जल्दी जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा सब्सक्राइब करने का और ना व्यूज़ का ना कमेंट का, तो प्लीज़ उसको कर लेना। आपको अगर कोई भी गाड़ी के बारे में जानना हो या पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी चाहते हो कि मैं उस पर पूरा वीडियो बनाऊँ डिटेल में तो वो भी मुझे बता देना, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, वीडियो दे दूँगा कि कितने की क्या गाड़ी पड़ती है, कितना फाइनेंस चाहिए, कितनी क्या ईएमआई आती है, क्या कॉस्ट पड़ती है, जो भी पूछना है, जो भी डाउट हो मन में आप भी डायरेक्ट कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा और मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा, उसके बारे में बता भी दूंगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए मैं रोहित ओला IZONE PRO RJ40 बाय।